Welcome, my dear student. In the revision session, we are going to learn the poem "Day by Day I Float My Paper Boats." यानी दिन पर दिन मैं अपने पेपर की बनाई हुई नाव को तैराता था, ठीक है? So this is the sweet poem written by the poet is Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore जिन्होंने जनगण मन भी लिखा है, हमारा नेशनल एंथम, उन्होंने ये पोएम भी लिखी है. डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट, यानी दिन पर दिन मैं अपने पेपर बोट तैराता था, फ्लोट यानी तैराता था. वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, और एक के बाद एक जो रनिंग स्ट्रीम मतलब बहता हुआ जो पानी रहता है उसको रनिंग स्ट्रीम बोलते हैं. इन बिग ब्लॉक लेटर आई राइट माई नेम, और बिग ब्लॉक लेटर यानी मैं कैपिटल अक्षर में उन नाव के ऊपर अपना नाम लिखता था. ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और अपने नाम के साथ में उस मैं जिस गांव में रहता था उस गांव का नाम भी लिखता था, मतलब अपने विलेज का नाम भी वो लिखते थे पेपर बोर्ड पे और उसको फिर तैराते थे. आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज, और मेरा ऐसा सोचना है कि कहीं पर भी, मतलब वो ऐसा चाहते थे या ऐसा सोचते थे कि दैट समवन इन सम स्ट्रेंज, यानी कुछ अजनबी जगह पर कोई होगा, लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम, और कहीं ना कहीं उनको कोई खोजेगा, नाव मिलेगी किसी को तो उसको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरा नाम और मेरे गांव का नाम भी उस पर है. आई लोड माई लिटिल बोट विथ शिवली, और मैं उस लिटिल बोट में क्या रखता था, शिवली. शिवली जो है एक टाइप का फ्लावर है, उस फ्लावर को रखता था. फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन, वो जो कि उनके गार्डन में उगता था, उसको वो नाव में चढ़ाते थे उन फ्लावर्स को, और उस नाव को पानी में रनिंग स्ट्रीम में तैराते थे. एंड होप दैट दिस ब्लूम ऑफ द डाउन विल बी कैरिड सेफली टू द लैंड इन द नाइट, और ये जो ब्लू में यानी ये खिलते हुए फूल जो है खुले हुए, ऑफ द डाउन, डाउन यानी बिल्कुल सनराइज जब पहली किरण पड़ती है, डाउन यानी सुबह सुबह का जो वक्त होता है जब पहली सूर्य की किरण आती है, तो उस वक्त के ये फूल है ये नाव में चढ़ाने के बाद किसी नाइट में जाकर वहाँ पर उस नई ज़मीन पर जाके रुकेंगे. सो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये सभी के बचपन में होता है, सभी ने बचपन में ऐसा किया होगा कि बहते हुए पानी में नाव बना के, पेपर की नाव बना के सभी ने छोड़ी होगी. तो इसमें यही बोल रहे हैं कि वो दिन पे दिन हम जो है पेपर की नाव बना के छोड़ते थे, उस पर खुद का नाम और गांव का नाम लिखते थे, और सोचते थे कि किसी अजनबी व्यक्ति को ये मिलेगा तो वो जानेगा कि हम कौन हैं, और उसमें वो फ्लावर भी साथ में चढ़ाते थे. बहुत ही स्वीट पोएम है. इसके क्वेश्चन आंसर आपको पहले भेज दिए थे, और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको PDF बना के भी भेज दिया गया है. आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करें, है ना. बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशन के लिए. ओके, बाय.